विकास दुबे को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। उज्जैन पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद ऑटो ड्राइवर बंटी चौहान ने बताया कि विकास दुबे उज्जैन में होटल तलाश रहा था और उसने होटल में रुकने की भी कोशिश की थी। बता दें, ऑटो ड्राइवर बंटी चौहान विकास के साथ करीब 3 घंटे तक रहा था। अब मुझे वो मालूम नहीं था कि वो विकास दुबे है। उसने मुझसे बोला हमको मंदिर जाना, हमने उसको 50 रुपये में भाड़ा बताया, तो 5 सेकंड बाद धीरे धीरे चल के वो मेरी ऑटो में बैठी। बस वहाँ से सीधे मैंने महाकाल छोड़ा। महाकाल पर उसने चढ़ते से वहीं बोल दिया था महाकाल पर हमको रुकना भी है 3 दिन के लिए। मैंने सबसे पहले उनको ले गया अनमोल पैलेस। अनमोल पैलेस पर 2-5 मिनट रुके, नहीं हुआ वहाँ पर काम। उसको जो पैसेंजर रहते हैं उसको हम बोले तो आईडी लगता है यहाँ पर रुकने के लिए, क्या पूरी समझदारी से। लेकिन उसने क्या बोला, आईडी नहीं है लेकिन मेरा फोटो कापी है। मैंने बोला चल जाइए, ठीक, ये सच्चाई है। हाँ, कम से कम 24 घंटे वहाँ पर रखा था आपको? मैं तो आईजी के कार्यालय पे था। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।